अबे शिनचैन कितना बर्गर खाएगा, चलना। मैंने फेंक दिया बस, लास्ट ऑर्डर। क्या लास्ट ऑर्डर? अबे मैंने तेरे को बोला था एक बर्गर खाने के लिए, कितने बर्गर खा रहे हैं? मैंने फेंक दिया बस, तीसरा बर्गर खा रहा हूँ। क्या तीन बर्गर? अबे मेरे पास पैसे नहीं है इतने। मैंने फेंक दिया, झूठ मत बोलो, मैंने खा लिया अब तो। अबे शिनचैन मैंने बोला था एक बर्गर के पैसे, तू तीन तीन बर्गर को खा गया। मैंने फेंक दिया, मैं अब क्या करूँ, अब तो खा लिए। अरे भैया मेरे पैसे दे दो। अबे शिनचैन अब पैसे कहाँ से लेंगे? मैंने फेंक दिया, मुझे क्या पता, आपने बोला था बर्गर खा लो। अरे पर मैंने ये भी तो बोला था एक ही खाना है। अरे यार ये क्या क्या शिनचैन तूने? अरे फेंकी मैं, आप क्या करेंगे? अरे भाई साहब मेरे पैसे दो, वरना आपकी बनियान उतार के दो। क्या बनियान? अरे फेंकी मैं, दे दो। इस शिनचैन के चक्कर में अभी अभी घर से निकला था और यहाँ पे नंगा भी हो चुका हूँ। अरे शिनचैन तो मेरे से दूर रहे, मैंने इसको बोला था एक बर्गर खाने के लिए, तीन तीन बर्गर खा गया। अरे फेंकी मैं, चलो चैलेंज करते हैं। अभी क्या चैलेंज, नंगा चैलेंज करूंगा क्या? अरे फेंकी मैं, करूँ ना, मजे आएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। तो गाइस आप सबका स्वागत है आज की खतरनाक वीडियो में। आज हमको मिला एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैलेंज। बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हमें दिया है खतरनाक खतरनाक चैलेंज, जैसे कि फ्लाइट गेमर और टेक्नो गेमर्स ने दिया है $1 to $100 million सिर्फ 2 घंटे में हमें कमाने पड़ेंगे। और वरुण द गेमर 2.0 जो कि सबसे बड़ा यूट्यूबर है, उसने भी हमें यही सेम चैलेंज दिया है $1 to $100 million इन 2 घंटे। तो गाइस इस चैलेंज को हमको आज करना पड़ेगा कैसे भी करके। अरे बेकी मैं, अगर आपने ये चैलेंज 2 घंटे में कम्प्लीट कर देना तो मैं गंजा हो जाऊंगा। क्या गंजा हो जाएगा? अरे फेंकी मैं, सारे बाल हटा दूंगा। अरे गाइस शिनचैन ने तो बहुत ही खतरनाक चैलेंज ले लिया, अगर मैंने 2 घंटे में $100 million जमा कर लिए तो शिनचैन गंजा हो जाएगा। तो आज लगता है शिनचैन को गंजा हम करा के रहेंगे। चलो गाइस फटाफट से चैलेंज को शुरू करते हैं और टाइमर को भी शुरू करते हैं। आज का 2 घंटे का टाइमर यहाँ पे शुरू हो चुका है, आप टाइम देखते रहना और हम फटाफट चलते हैं $100 million कमाने वाले। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं खतरनाक खतरनाक रॉबरी करने, क्योंकि वही तरीका है 100 मिलियन कमाने का। तो सबसे पहले चोरी करी हमने एक बाइक की, क्योंकि मैं साइकिल पे रॉबरी कर नहीं सकता, पुलिस आई तो बहुत मारेगी, भाग भी नहीं पाऊंगा। अभी हम आ चुके सबसे पहले ज्वेलरी स्टोर लूटने और मेरे पास सिर्फ ये एक चाकू है। चलो गाइस फटाफट से अंदर घुसते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं गन खरीद लूं, इसलिए मैं चाकू लेके यहां पे घुस चुका हूं। इस गार्ड को मारेंगे, ये ले। और गाइस हमने इसको मार दिया, फटाफट से मारते हैं और इसके हमने गन उठा लिए, कोई भी हिलेगा नहीं वरना सबको गोली मार दूंगा। चलो गाइस गन हमें यहां से मिल चुकी है, हमारे पास 1.5 मिनट है, पुलिस यहां पे आ जाएगी 1.5 मिनट, उसमें हमें सारी की सारी ज्वेलरी लूटनी होगी। फटाफट से सारी की सारी ज्वेलरी उठाते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी हम उठाने वाले और हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले। आपको क्या लगता है इस चैलेंज को हम कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं 2 घंटे में $100 million? फटाफट से कमेंट करके बताओ। और हम यहां से निकलने का टाइम हो चुका है, पुलिस यहां पे आने वाली होगी, मैं बहुत सारी ज्वेलरी यहां से उठा रही है। फटाफट अपनी बाइक को कुदाते, सामने से पुलिस आ रही है, भगा। सामने मुझे बहुत ही ज्यादा पुलिस दिख रही है, कुदाओ। अरे बच गया बच गया, चलो फटाफट से पुलिस ऐसे पे आते कहीं पे छुप छुप के। ये लो अंकल मैं आपकी सारी ज्वेलरी लेके आ गया। तो गाइस इनको हमने अपनी की ज्वेलरी डिलीवर कर दिए और हमें मिल चुके हैं $6 million। 100 मिलियन मुझे लगा था मिल जाएंगे पर 6 मिलियन ही मिले, कोई बात नहीं, ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छे है आगे बढ़ने के लिए। तो गाइस ये जो हमारे $6 million है इनको मैं खर्च करने वाला हूँ अगली बड़ी रॉबरी के सामान लेने के लिए। चलो फटाफट सारा सामान जमा करते हैं और रॉबरी करते हैं। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे खरीद लिया मस्त सा प्राइवेट जेट, देखो कितना ज्यादा खतरनाक जेट है ये। अब आप सोच रहे हो जेट क्यों लिया, ये तो मजे के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल मजे के लिए नहीं लिया, ये लिया है रॉबरी करने के लिए। हम यहाँ से जाने वाले नॉर्थ यंगटन, मतलब वो बर्फ वाली जगह, और वहां को बैंक रॉबरी करने वाले। वहां के बैंक में मुझे पता चला है बहुत सारा पैसे होते हैं। तो फटाफट चलते हैं नॉर्थ यंगटन। फटाफट से अपने प्लेन को यहाँ पे मैं लैंड कराने वाला हूँ, सीधा उस बैंक के ऊपर हम लैंड कराने वाले हैं। नीचे सिक्योरिटी वाले बहुत है पर हमारे साथ एक और बंदा है जो कि हमारी मदद करने वाला है। चलो फटाफट से उससे मिलते हैं और फटाफट से बैंक में घुसते हैं। इसने मास्क पहन लिया है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। फटाफट से अंदर घुसते हैं, बैंक में हम यहाँ पे आ चुके हैं। पहले सिक्योरिटी गार्ड को मानना पड़ेगा, यहाँ पे आज एक ही सिक्योरिटी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ी थी, तो सब अपने घर जा चुके हैं। और गाइस अलार्म सारे चालू हो चुके हैं गोली चलाने की वजह से। फटाफट से यहाँ पे चलते हैं और एक और गार्ड है इसको भी मारते हैं। और गाइस यहाँ पे हम लगाने वाले बड़ा सा बॉम्ब, ये जो गेट है ये सही में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी वाला है, हमने यहाँ पे बॉम्ब लगा दिया। यहाँ पे छुप जाते, 3 2 1 बूम। और गाइस पूरा का पूरा गेट यहाँ पे उड़ा दिया। चलो अंदर घुसते हैं और यहाँ पे देख सकते कितना सारा पैसा है। फटाफट सारा का सारा पैसा अपने बैग में डालते हैं और अपने पार्टनर भी बहुत सारा पैसा डाल दिया और यहाँ पे जितना पैसा पड़ा है वो भी मैं सारा का सारा लेने वाला हूँ। आपको क्या लगता है इस रॉबरी के बाद हमारे कितने पैसे मिलने वाले? फटाफट से कमेंट करो और सारा का सारा पैसा हम लूटने वाले। चलो चलो लूटो लूटो लूटो। चलो गाइस सारा पैसा यहाँ से मिल चुका है। फटाफट से यहाँ से बाहर निकलते हैं और मुझे एक और काम करना है। यहाँ के जो कैमराज थे मैंने उनको तोड़ा नहीं था, तो मैं उन कैमराज को डिसेबल करने वाला हूँ। जो उनकी टेप है वो यहाँ से हमने ले लिए। चलो यहाँ से निकलते हैं। अबे ये कहाँ से आ गए, मारो इसको। अबे तुम क्या मुझे मारोगे, निकलो ऐसे। चलो गाइस इनको हमने मार दिया। अभी हम बैंक से भी बाहर निकल चुके हैं, लॉस एंड
यंगटन की सारी पुलिस को पता चल चुका है, नॉर्थ यंगटन की भी। हमको यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। सामने हेलीकॉप्टर आ गए और हमारा एस्केप हेलीकॉप्टर भी आ चुका है वापस से लॉस सैंटोस जाने के लिए। चलो गाइस फटाफट से इसको उड़ाते हैं। अबे उतर मत, बैठ 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 बैठ। चलो गाइस फटाफट से इसको उड़ाते हैं हवा में और निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। और ये पुलिस वाले तो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि ये हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस अभी हम आ चुके लॉस सैंटोस में। हमारा जो पार्टनर था उसको आधे पैसे देने के बाद हमें मिल चुके हैं 43 मिलियन डॉलर। तो गाइस अभी मैंने खरीद लिया लिमोजिन। नहीं, ये काम की नहीं, ये मैंने ऐसे खरीदी। आप सोचोगे सबकी सब चीजें काम की खरीदूंगा, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने ऐसे खरीदी है। और हम आ गए खतरनाक सी रॉबरी करने इस बिल्डिंग में। सबसे पहले यहाँ पे जगह हमको हैक करना पड़ेगा। मैं लिमोजिन में एंट्री नहीं थी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे कोई चोर आया है। और मैं तो बहुत ही बड़ी यहाँ पे चोरी करने वाला हूँ। तो मेरे पास लगभग 50 मिलियन डॉलर तो हो चुके हैं और हमारे पास अभी भी आधे घंटे का टाइम बाकी है। तो इस रॉबरी को मैं आधे घंटे में खत्म करना पड़ेगा। पहले इसको हैक करना पड़ेगा, फटाफट से इसको हैक करते बिल्कुल लाइनिंग मैचिंग करेंगे। नहीं नहीं कुछ होना चाहिए। और गाइस एक ही बारी में पूरा हैक कर दिया है। चलो फटाफट से चलते हैं, ये तो हैक हो चुका है। अब सारे के सारे कैमरास थोड़ी देर के लिए डिसेबल होने वाले हैं और हम सीधा जाने वाले लिफ्ट में और खतरनाक सी रॉबरी करने। यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स भी खड़े हैं तो चुपचाप जाना पड़ेगा। फटाफट से लिफ्ट के अंदर घुसते हैं और गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे हम करने वाले बड़ी सी रॉबरी। पहले यहाँ पे लगाएंगे ड्रिलिंग मशीन और यहाँ पे हमने ड्रिलिंग मशीन लगा दिया। ड्रिलिंग मशीन से बहुत ही ज्यादा महंगी थी, फटाफट से ड्रिल करने दे दिया और ये पूरा का गेट खुलने वाला है। और गाइस ड्रिलिंग हो चुकी है कंप्लीट, गेट हमारा खुल चुका है। तो गाइस आप सबका स्वागत है जन्नत में जहाँ पे बहुत सारे पैसे। तो गाइस यहाँ पे सही में बहुत ही ज्यादा पैसे, इन सभी को हम लूटने वाले अभी की अभी। यहाँ पे देखो भाई कितना सारा कैश है, फटाफट से इसको अपने बैग में डाल लेते हैं। सारा का सारा बैग में डालने वाले, एक रुपया मैं छोड़ने नहीं वाला। यहाँ से सारा पैसा लूट लिया, अब यहाँ पे भी पैसे लूटेंगे। इधर यार में बहुत ज्यादा पैसा गोल्ड सब का समय मिलने वाला है। और यहाँ से हम लेके जाने वाले 50 मिलियन डॉलर। अभी आप देख सकते हो हमारे पास हो चुके 4 मिलियन डॉलर, हमें चाहिए 50 मिलियन डॉलर। फटाफट से सारा का सारा पैसा जमा करते जाते हैं। इस बार तो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ी चोरी करने वाले। जितना पैसा मैं लेगा ना सारा लेके जाऊंगा, एक भी दाना छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। और गाइस यहाँ पे हमें गोल्ड के बार मिल चुके हैं जिनको हम डालने वाले अपने बैग में। फटाफट से डालो 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 सारा का सारा पैसा लेने वालों। हमारे पास हो चुका है 19 मिलियन डॉलर, बस 30 मिलियन डॉलर और यहाँ पे और भी बहुत सारा गोल्ड का बार है। चलो 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 आने दो आने दो आने दो सारा का सारा गोल्ड आने दो। सारा का सारा गोल्ड जमा करते हैं, एक बार हमारे 100 मिलियन डॉलर हो जाए फिर मैं टेक्नो गेमर्स को फोन करूंगा और बोलूंगा कि हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। फ्लाइट गेमर को भी फोन करना है, याद दिला देना आखिर में। मैं मुझे इनको फोन करना है, कमेंट में लिख देना उनको फोन करना है तभी मुझे याद रहेगा। अभी हमारे पास हो चुका है 37 मिलियन डॉलर, बस यार थोड़े से और चाहिए और हमारे 50 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले बस यहाँ पे पुलिस नहीं आ जाए, अगर कोई गार्ड या फिर पुलिस आया तो मेरी यार बहुत ही दिक्कत होने वाली। पहले उनको मारना पड़ेगा, फिर पैसा जमा करना पड़ेगा या फिर यहाँ से भागना भी पड़ेगा। चलो गाइस फटाफट से जमा करते जाते हैं। हमारे पास 48 मिलियन डॉलर हो चुके हैं, सिर्फ 4-5 मिलियन डॉलर और लेके जाएंगे ऐसे गोल्ड के भाई। एक काम करता हूँ, 100 मिलियन से भी ज्यादा करने वाला हूँ। अभी हमारे 54 मिलियन डॉलर, 56, 59 मिलियन डॉलर। लगता है यहाँ से निकल लेते, बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास हो चुका है। फटाफट से यहाँ से निकल। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करो यार, फटाफट से क्या कर रहे हो। हमने 100 मिलियन डॉलर चुरा लिए, मतलब यहाँ से 50 मिलियन, बाकी जगहों से 50 मिलियन। चलो गाइस यहाँ पे सारे गार्ड्स को मार के चलेंगे, इनको तो पता भी नहीं चलेगा मैं यहाँ से रॉबरी करने जा रहा हूँ। पर इनको बताना तो पड़ेगा ना कि फ्रैंकलिन डॉन यहाँ पे आया था रॉबरी करने, ताकि ये टेक्नो गेमर्स और फ्लाइट गेमर को बता सके कि यहाँ पे फ्रैंकलिन डॉन आया था। और गाइस यहाँ पे बहुत ही सारी पुलिस आ चुकी है, इनको फटाफट से मुझे मारना पड़ेगा। इनके ऊपर मैंने बॉम्ब पैकिंग की पूरी गाड़ी उड़ा दी है। हमारी लिमोजिन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बुलेट प्रूफ भी है, इसको हम आराम से यहाँ से निकाल लेंगे, कोई भी पुलिस वाला हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, अपनी लिमोजिन को फुल स्पीड में भगाते हैं ताकि हम पुलिस को एस्केप करा पाए और हमारे 100 मिलियन डॉलर की सेलिब्रेशन कर पाए। और आपको तो याद ही होगा शिनचैन ने बोला था अगर मैं 100 मिलियन डॉलर जमा कर लूंगा तो वो टकला होने वाला है, तो हम शिनचैन को भी टकला करेंगे। चलो गाइस फटाफट से पुलिस एस्केप कराते हैं और यहाँ से लिमोजिन को खुदाते हैं। अरे आज तक किसी ने यहाँ से लिमोजिन नहीं खुदाई होगी और यहाँ पे मैंने लिमोजिन खुदा लिया, बहुत ही ज्यादा खतरनाक मजा आ रहा है। फटाफट से पुलिस को एस्केप कराते हैं। A few minutes later. चलो गाइस हमारा 100 मिलियन डॉलर चैलेंज हो चुका है खत्म और हमने यहाँ पे घर ले लिया, जहाँ पे बैंक में रॉबरी गई थी ना उसी के पास में घर ले लिया। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है, हर जगह स्नोफॉल होती रहती है, हर जगह माउंटेन है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये हमारा मस्त सा गैराज हमारे घर का, जहाँ पे बहुत सारी बाइक्स, बहुत सारी कार्स और भी बहुत ही खतरनाक खतरनाक चीजें। आपको फटाफट से हमारा घर दिखाते हैं, पूरा का पूरा स्नो के बीचों बीच जमा हुआ है। इधर एरिया में कोई रहता भी नहीं है क्योंकि हर जगह इतनी ज्यादा स्नो है। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, सोचो बर्फ के बीचों बीच बास्केटबॉल कोर्ट किसका होता है। और स्विमिंग पूल भी है और इस स्विमिंग पूल में बहुत ही ज्यादा गर्म गर्म
पानी, क्योंकि यार ये जमेगा नहीं, अगर ठंडा पानी होता तो कम का जम जाता। चलो आपको पूरा घर दिखा दे फटाफट से, ये हमारा मस्त सा किचन है और देखते हैं हमारे घर में क्या क्या है। ये बाथरूम है और यहाँ से बाथरूम से व्यू देखो, इस खिड़की से क्या ही व्यू आता है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ बर्फ 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 और बर्फ। ये हमारा मस्त सा क्रिसमस ट्री और ये हमारा मस्त सा लिविंग रूम है, चाय बैठ के मजे करो फुल सोफा बैठ के, और यहाँ पे थोड़ी पार्टी शार्टी कर सकते हैं, वो भी हम करने नहीं वाले। और ये हमारा मस्त सा बेडरूम, ये है शिनचैन का बेडरूम, इसके पास वाला बेडरूम मेरा है। यहाँ पे शिनचैन की बड़ी सी टीवी है, PS5 है, आईफोन है और पता नहीं क्या क्या चीजें शिनचैन के गेम खेलने के लिए। और गाइस फटाफट से कमेंट करें तो कैसा लगा शिनचैन का रूम, मेरा रूम तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। आप मेरा रूम देखोगे तो आप चौंक जाओगे कितना ज्यादा खतरनाक है। आप सबका स्वागत है मेरे रूम में। ए एक सेकंड, मेरा रूम पिंक किसने कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा रूम नहीं है, मैं इस रूम में नहीं रहने वाला। अरे बेकी मैं अब तक इसी रूम में रहूंगी। अबे हट, मैं इस रूम में रहने नहीं वाला, वो मेरा रूम नहीं है। गाइस यार मान लो मेरा रूम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पिंक वाला रूम मेरा क्यों होगा? ये मेरा रूम है, मैं इधर रहूंगा। ये तो बहुत ही छोटा है, पर कोई बात नहीं, मैं छोटे रूम में रह लूंगा, पर पिंक कलर के रूम में मैं नहीं रहने वाला। चलो गाइस यार और देखते हैं हमारे घर में क्या क्या है। एक और बेडरूम हमने देख लिया, फटाफट से नीचे चलते हैं। दो दो फ्लोर का ये घर है, यहाँ पे हमारा गैराज था, और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। सीक्रेट रूम जहाँ पे है बहुत सारा कैश और पूरे लॉस सैंटोस के कैमरास, यहाँ से मैं सारे सारे लॉस सैंटोस को देख सकता हूँ क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। और यहाँ पे हमारा प्राइवेट सिनेमा थिएटर, जहाँ बैठ के कोई भी मूवी देख सकते हैं। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी फटाफट से कमेंट करके बताना। और ये हमारा मस्त सा जिम है, और यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा ऑफिस है जहाँ पे शेर लेटा हुआ, पता नहीं क्यों यहाँ पे लेटा रहता है, मुझे नहीं पता। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको हमारा खतरनाक सा घर। और अभी मैं जाने वाला हूँ राइट में। अरे बेकी मैं कहाँ जा रही हूँ? अबे तेरे बाल कटवाने और क्या। अरे मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। अगर गाइस अगर आपको शिनचैन की गंजे वाली फोटो देखिए, फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे शिनचैन की गंजे वाली फोटो आने वाले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस आज की वर्सी पे तय, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाकर जाना फॉलो करना, वहाँ पे बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और गाइस मैं मिलूंगा आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।